अभी हमने आपको इसको डायरेक्ट थर्मल पे लेबल प्रिंट करके दिखाया। तो अब साटन की बारी है और ताफ्ता की बारी है। तो ये सैंपल रोल है, 220 मीटर का बड़ा रोल आता है, तो इसके अंदर नहीं लगेगा। उसके लिए हमें ये स्टैंड चाहिए, तो मैं अभी इसको आपको स्टैंड पे ही लगाता हूँ। और एक ये वाश केयर रिबन होता है जो धुलने के बाद भी आपका प्रिंट ना मिटे जिससे, तो इस रिबन को मैं लगा लेता हूँ। तो ये हमारे अभी कस्टमर को जाना है, तो उनको मैं इसी में लगा के दे रहा हूँ इसीलिए अभी, ताकि उनको कन्फ्यूज़न ना हो कि रोल रिबन कैसे लगता है। तो रिबन आपका ताफ्ता का वाश केयर हो या नॉर्मल बारकोड प्रिंटर लेबल के लिए रिबन यूज़ करना हो, लगाने का तरीका मैं अभी आपको दिखाता हूँ। और चलिए ये ताफ्ता रोल मैं लगाता हूँ इसके ऊपर यहाँ पे, और बैक साइड में जो ग्रू है ये वहाँ से इसके अंदर आएगा। तो आपको सेट करके दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों। देखिए स्टैंड पर हमने ताफ्ता लगा लिया है, और ये देखिए प्रिंटर के अंदर जो ग्रू होता है वहाँ से हमने निकाल लिया है। और ये निकालते हुए हमें देखिए ये इसकी एडजस्टेबल लेवल गाइड है, इसके अंदर ना ये लूज़ हो ना टाइट हो, इस तरह से हमें सेट करना होता है। तो ये देखिए हमने सेट कर दिया है, ये सेंसर के नीचे से ये बाहर निकाल लिया है। तो अब ये जैसे जैसे प्रिंट होगा बाहर आता जाएगा, ये कंटिन्यू रोल होता है। तो अब इस तो हमने ताफ्ता रोल लगा लिया है, तो अब इसके बाद हम लगाएंगे रिबन, वॉश केयर रिबन। तो चलिए देखते हैं, वॉश केयर रिबन लगाने के लिए ओपन करना है। न्यू रिबन हमेशा इसमें नीचे लगेगा, ये देखिए ये स्प्रिंगेबल है, ये देखिए प्रेस हो रही है। तो ये वाली हमें जो उसकी गाइड है रिबन गाइड को लगाना है। रिबन लगाने का तरीका देख लीजिए, ये काफ़ी केयर से लगाना होता है आपको। अगर आप इसको रॉन्ग साइड से लगा देंगे तो प्रिंट नहीं आएगा। तो मैं अभी आपको इसको लगा के दिखाता हूँ। और ये देखिए प्रिंटर अगर कोई एरर आता है तो ऐसे ब्लिंक शो करता रहता है, क्योंकि अभी इसमें ना रोल है ना रिबन लगा हुआ है, तो ये भी हमें एरर शो कर रहा है। तो इसका ध्यान रखिए, कभी भी एरर आए तो इसका मतलब यही होता है कि अभी आपका प्रिंटर रेडी नहीं है प्रिंटिंग के लिए, कोई ना कोई इसमें कमी है। तो रिबन लगाने का तरीका देखिए, कोई भी आप रिबन लेंगे फ्रेश तो इस हिसाब से आएगा। ये देखिए एक ये शाइन कर रही है साइड रिबन की, एक इसकी रफ साइड होती है बैक साइड से। तो हमेशा याद रखना, कोई भी बारकोड प्रिंटर होता है तो उसकी जो शाइनिंग साइड होती है ये अपवर्ड आती है। ये देखिए अभी हम इसको लगाएंगे। और लेबल गाइड लगाने का तरीका, रिबन गाइड लगाने का तरीका, ये राउंड वाला पोर्शन है ये लेफ्ट साइड में रहेगा, और इसको इस तरह से आपसे सेंटर में लगा लेना है। ये रिबन बड़ा है, 2.5 इंच ताफ्ता का रिबन है, तो इसमें आप छोटा भी प्रिंट कर सकते हैं, बड़ा भी प्रिंट कर सकते हैं। छोटा प्रिंट करेंगे तो आपकी वेस्टेज होगी, इसलिए अगर आप 1 इंच का प्रिंट कर रहे तो 1 इंच का कार्बन यूज़ करें, और 2.5 इंच का कर रहे तो 2.5 इंच का। मैं आपको खाली टेस्टिंग के लिए बड़े वाला यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये एडजस्टेबल है, ध्यान से देखिए इसको यहाँ पे एडजस्ट करके प्रेस करना है। और यहाँ जो इसका ग्रूव बना है इस तरफ, ये देखिए इस ग्रूव में ये लॉक हो जाएगा और ये रिबन लग चुका है। अब रिबन को बंद कर देना है, और ऊपर यहाँ हमें वेस्ट वाली कोर लगानी है। इस तरह की कोर आपके प्रिंटर के साथ आती है, सैम्पल रिबन जैसे कि मैंने अभी दिखाया था, इसकी एसेसरीज में आपको सब कुछ मिलेगा। तो ये कोर हमें लगा लेनी है, सेम प्रोसेस वैसे ही, लेफ्ट साइड से पहले प्रेस करके राइट साइड के ग्रूव में लॉक कर देना है। फिर हमें रिबन को प्रिंट करने के चिपका देना है यहाँ पे। तो आप किसी स्टिकर या टेप से भी चिपका सकते हैं, जैसे भी आपको ईजी लगे। तो ये मैं भी एक लेबल से इसको चिपका देता हूँ। तो ये हमने इसका रिबन लगा लिया है, तो ये ताफ्ता ज़्यादा बाहर आ गया है, थोड़ा पीछे कर देते हैं इसको, प्रिंटर को बंद कर देते हैं, और पैक ऑफ करके ओवन ज़रूर कर ले, तभी ये आपका प्रॉपर काम करता है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, प्रिंटर को बंद कर दिया है, ऑफ ऑन करते हैं प्रिंटर को। तो ये मैंने ऑन कर दिया है, ये ऑटो कैलिब्रेट होता है स्टार्टिंग में आपका प्रिंटर, और ऑटो कैलिब्रेट होने के बाद ये रुक जाएगा। अब इसे हमें कंटिन्यू मोड पर सेट करना है, ये देखिए, फिर इसके बाद कमांड देंगे। तो दोस्तों ताफ्ता हमने लगा लिया है, रिबन लगा लिया है, ये देखिए मैंने टेस्ट करके देख लिया है, कंटिन्यू काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। तो दो लेवल प्रिंट कर लेता हूँ, ये हमने डिज़ाइन कर लिया बारटेंडर में, ये देखिए। तो ये देखिए काफ़ी शार्प प्रिंटिंग है, क्योंकि 300 DPI का प्रिंटर है। तो ये देखिए छोटा बार कोड आपको परफेक्टली मिल रहा है, वर्टिकल भी आपको परफेक्टली आ रहा है, QR कोड भी देखिए और नाम भी देखिए। तो आप अगर आपको 300 DPI का बार कोड प्रिंटर लेना हो और अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप डी कोड की तरफ जा सकते हैं। डी कोड DC431 इस आपका बेसिक 300 DPI का सबसे चीपेस्ट बारकोड प्रिंटर आज की डेट में डीकोड की तरफ से।
आप हमसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। ये बारकोड प्रिंटर अभी हमने बॉम्बे कोरियर करना है, तो ये हमारे कस्टमर को दिक्कत ना आए इसलिए हमने वीडियो बनाई है कि ताफ्ता की सेटिंग कैसे करनी है। तो हमने ताफ्ता का सेटअप लगा दिया है ताकि वो आसानी से यूज़ कर सके। तो और भी अगर आपको डीकोड या कोई भी TSC ज़ेब्रा पोस्ट टैग किसी भी प्रकार के बारकोड प्रिंटर चाहिए हो या लेबल चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। ताफ्ता पे आप प्रिंटिंग देख ही चुके हैं, अब हम आपको साटन पे दिखाते हैं। तो साटन और ताफ्ता में आपको फ़र्क पता ही होगा, ये देखिए, देखने से पता चल जाएगा। ये जो शाइनिंग वाला फैब्रिक होता है इसे साटन बोलते हैं, और ये जो रफ होता है ये ताफ्ता होता है। तो इस पे हम प्रिंट करते हैं। तो देखिए, सेम फाइल को हमने अभी ताफ्ता पे प्रिंट किया है, अब इसी को हम साटन पे प्रिंट करते हैं। हालांकि साटन पे ये प्रेफर तो नहीं होता बारकोड प्रिंटर से प्रिंटिंग के लिए, लेकिन हम टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं इसका रिस्पॉन्स। तो ये देखिए, ये प्रिंट हो रहा है, और ये एक बार प्रिंट हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, साटन पे ताफ्ता के मुकाबले प्रिंटिंग ज़्यादा शार्प तो नहीं है, लेकिन ये है कि आपका साटन भी इससे प्रिंट हो जाएगा। तो अगर आपको रिबन भी प्रिंट करना हो तो आप इस प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये रिबन साटन ही होता है। इसके हम डार्कनेस एक बार बढ़ा के देख लेते हैं, तो फिर देखते हैं इसका रिस्पॉन्स। तो हम डार्कनेस को, तो अच्छे, तो स्पीड है प्रिंटिंग की, स्पीड को कम कर देंगे, डार्कनेस फुल कर लेते हैं, स्पीड हम 4 पर सेट कर देते हैं। और अब चेक करते हैं, देखिए तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इसकी। अगर डार्कनेस फुल करके अगर हम चलाते हैं तो ये देखिए, तो साटन पे, फैब्रिक पे और लेबल पे, तीनों तरह पे बारकोड प्रिंटर ये हमारा कामयाब है। मैंने आपको तीनों की वीडियो दिखा चुका हूँ। तो अगर आपको ये प्रिंटर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। धन्यवाद।